अगर आप मूवी को इसलिए देखते हैं कि मूवी की कहानी अच्छी हो और आप उन मूवी से कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आज हम इस वीडियो में टॉप 10 नहीं बल्कि टॉप 30 ऐसी मूवी के बारे में बताएंगे जिसे आप देखेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा और आपके लाइफ में हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टॉप 30 पर जो मूवी आती है उस फिल्म का नाम है पिंजर। यह फिल्म भारत के विभाजन के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों की समस्या को दिखाती है। टॉप 29 पर जो मूवी आती है उस फिल्म का नाम है 15 पार्क एवे। यह फिल्म एक महिला के पागलपन को दिखाती है। टॉप 28 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है फ्रोजन। फ्रोजन 2007 में आई ब्लैक एंड व्हाइट भारतीय ड्रामा फिल्म है। टॉप 27 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है गजगामिनी। यह फिल्म की कहानी एक महिला की रहस्य पर आधारित फिल्म है। टॉप 26 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है मैंने गांधी को नहीं मारा। यह फिल्म 2005 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में अनुपम खेर ने अहम भूमिका निभाया था। टॉप 25 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है फिराक। यह फिल्म गुजरात में हुई सांप्रदायिक हिंसा को दिखाती है। टॉप 24 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है जुबैदा। यह फिल्म महिला के लिए सच्चे प्रेम को दिखाती है। टॉप 23 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। इस फिल्म की कहानी एक गरीब अशिक्षित महिला होती है जो बॉलीवुड की अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की बहुत बड़ी फैन होती है। टॉप 22 पर फिल्म आती है ब्लैकमेल। इस फिल्म की कहानी देव के इर्द गिर्द घूमती है जो एक टॉयलेट पेपर बनाने वाले कंपनी में काम करता है। टॉप 21 पर फिल्म आती है परजानिया। यह फिल्म गुजरात के दंगों पर आधारित फिल्म है। टॉप 20 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है मातृभूमि ए नेशनल विदाउट ओ मैन। इस फिल्म की कहानी बहुत लाजवाब। एक गांव में लड़कियों की कमी के कारण एक लड़की 5 लड़कों के और पैसों का लालच देकर कैसे शादी के चपेटे में आ जाती है इस फिल्म में दिखाया गया है। टॉप 19 पर फिल्म आती है इस फिल्म का नाम है ए साली आपकी। इस फिल्म में प्यार का बेहम चेहरा दिखाती है। टॉप 18 पर फिल्म आती है शोर इन द सिटी। यह फिल्म मुंबई में गणपति महोत्सव के द्वारा होने वाली अराजक परिदृश्य को दिखाती है। टॉप 17 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है बीए पास। मुकेश नाम का एक छात्र होता है जो अपने माँ बाप के गुजरने के बाद दिल्ली में अपनी बुआ के यहाँ रहने जाता है और उस पर 2 बहनों का जिम्मेदारी भी होता है। टॉप 16 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है आर्टिकल 15। यह मूवी अनुच्छेद 15 को बताती है। टॉप 15 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है अगली। यह फिल्म एक इमोशनल ड्रामा फिल्म है। टॉप 14 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है शाहिद। इस फिल्म का पात्र जो होता है शाहिद अंसारी उसे मुंबई पुलिस इस कारण पकड़ लेती है कि वह आतंकवाद फैलाता है। टॉप 13 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है फिल्मिस्तान। इस फिल्म में एक सनी नाम का लड़का होता है जो एक हीरो बनना चाहता है और वह मिमिक्री आर्टिस्ट होता है। टॉप 12 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है मसान। यह फिल्म आज के दौरान बनारस पर हो रही घटनाओं को दिखाती है। टॉप 11 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है पिंक। यह फिल्म ताकतवर परिवार के खिलाफ न्याय की लड़ाई को दिखाती है। टॉप 10 पर मूवी आती है उस फिल्म का नाम है तुम्बाड़। यह फिल्म धन दौलत के लालच पर आधारित फिल्म है। टॉप 9 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है ट्रैप्ड। यह कहानी मुंबई के रहने वाले एक बैचलर छात्र की होती है जो अपने गर्लफ्रेंड के लिए नए घर लेने के चक्कर में कहीं फंस जाता है। टॉप 8 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है न्यूटन। यह फिल्म दलित समुदाय के ऊपर आधारित है। टॉप 7 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है ए वनसडे। यह फिल्म बुधवार के दिन मुंबई में दोपहर 2 बजे से लेकर 6 बजे तक बीच होने वाली सभी घटनाओं को दिखाती है। टॉप 6 पर फिल्म आती है 5 सिंह तोमर। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है। टॉप 5 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है सेक्शन 375। यह फिल्म रेप के मुद्दे को बहस के रूप में दिखाती है। टॉप 4 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है मदारी। एक साधारण व्यक्ति जो अपने बेटे को खो देता है और वह सरकार से कैसे बदला लेता है वो इस फिल्म में दिखाया गया है। टॉप 3 पर फिल्म आती है 404 एरर नॉट फाउंड। इस फिल्म में एक छात्र जो होता है अपने रूम में आत्महत्या कर लेता है और उस रूम में आगे क्या होता है इसके लिए आपको यह फिल्म देखनी पड़ेगी। टॉप 2 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है सिटी लाइट्स। यह फिल्म राजस्थान में एक छोटे से गाँव की कहानी को दिखाती है। टॉप 1 पर फिल्म आती है उस फिल्म का नाम है कागज। यह फिल्म किसान की कहानी को दिखाती है जो अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए काफी मुश्किलों से गुजरता है क्योंकि उसको पेपर में उसे मृत घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।